नमस्ते, मैं अनीता बलियर, अनीता बलियर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बनाएंगे सोयाबीन की वड़ी की चटनी। सोयाबीन वड़ी है इजीली, किराना स्टोर में 10 रुपए की पैकेट वाली भी मिल जाती है। और मैंने ऐसी 1.5 कटोरी सोयाबीन वड़ी ली है। ये कटोरी हमें जिसकी बनाना है उसकी, और ये आधा कटोरी ऐसे। और एक पैन में मैंने पानी लिया है, इसमें मैंने 2.5 गिलास पानी डाला है। देखिए गरम पानी हो चुका है, अब हम पूरी सोयाबीन को डाल देंगे। सोयाबीन वड़ी को डाल देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। फूल जाती है सोयाबीन वड़ी, देखिए कैसे फूल रही है। और इसमें एक उबाल आने के बाद में बंद कर देंगे। देखिए उबाल आ चुका है, बंद कर देंगे गैस को और इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने होए हमारी वड़ी, जब तक हम प्याज, 2 प्याज, 1 बड़ा टमाटर और हरी मिर्ची को काट लेंगे। अब हम एक चलनी में छान लेंगे। एक बार और इसी बर्तन में डालकर हम ठंडा पानी डालकर सोयाबीन वड़ी को धो लेंगे और उसी छलनी में छान लेंगे। ठंडा होने के बाद में हम मिक्सी पाट है इसमें डाल लेंगे। निचोड़ लेंगे, इसका पूरा पानी को हम निचोड़ लेंगे मिक्सी जार में डालकर। और हम दरदरा पीस लेंगे। देखिए मैंने दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसको रखेंगे साइड में। एक पैन में तेल डालेंगे हम। तेल गर्म हो चुका है और हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 2 प्याज कटा हुआ बारीक। और इसी में हम डाल देंगे हरी मिर्ची को भी और प्याज को सुनहरा होने तक पकने देंगे। प्याज सुनहरा होने के बाद में हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता है ये, इसको मैंने धोकर टुकड़े कर लिए हैं। धनिया पाउडर, हमने हरी मिर्ची भी डाली है और थोड़ा से डालेंगे लाल मिर्ची और कलर आने के लिए डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची। नहीं भी डाला तो कोई बात नहीं। और हल्दी, सभी को भून लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1 कटा हुआ टमाटर, 1 या फिर 2। मेरा टमाटर बड़ा था इस वजह से मैंने 1 ही टमाटर डाला। और इसमें मैं डाल दूंगी सभी चटनी का नमक। और टमाटर को हम पकने देंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम गरम मसाला और इसको भी मसालों के साथ हम पकने देंगे और ढककर रख देंगे। अब हम डाल देंगे
सोयाबीन के मिश्रण को। और 2 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे, धीमी आंच पर ढककर रखेंगे। देखेंगे हम, बढ़िया हमारी चटनी पककर रेडी हो चुकी है। वैसे तो पकी थी, सिर्फ हमें मसाले में के साथ मिक्स करना था। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी हम पूरी चटनी में मिला लेंगे। अब गैस को करेंगे हम बंद। देखिए आज की सोयाबीन वड़ी की चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। आपको आज की सोयाबीन वड़ी की चटनी बनाने की रेसिपी कैसी लगी है तो मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।